साउंड टेक 7 एक्शन। नमस्कार, आदाब, हाजिर हूँ आपका दोस्त मुजफ्फर अंसारी। दोस्तों, आज अलग ही खुशी है कि और होना भी चाहिए खुशी, क्योंकि दिवाली का पर्व आ रहा है। आज धनतेरस है और इस वक्त मैं ही गांव में मौजूद हूँ, भगवा बाजार में। आज की वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें, बिल्कुल वीडियो ना छोड़ें। वीडियो आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, मुस्कुराहटे चेहरे पर आप देखते होंगे और ये मुस्कुराहट है दिवाली की खुशियों में। दिवाली की खुशियाँ इतनी हैं, काफ़ी हैं, कैसे बयां करें। हाँ, अच्छा। और आज धनतेरस है और धनतेरस पे जानते हैं हम अपने बड़े भाई लोकेश चंद्र गंगवार जी से। आप खरीदारी करने गए आज को? जी जी। लेकिन आप खुद बेच रहे हैं तो आपने खरीदारी कैसे की होगी? गरम कर ली मैंने। अच्छा, ढाकनलाल गंगवार मेरे भाई वाली से पहले से धनतेरस आती है तो उस पर खरीदारी बहुत ज्यादा की जाती है। लेकिन हाँ, मुस्लिमों में ये जैसे खरीदारी इतनी परसेंट नहीं होती है। ना के आप होती हाँ होती है। लेकिन कैसा लगता है खरीदारी करते हुए? बढ़िया लगता है। अच्छा, पैसे जेब से जाते तो कुछ दुख नहीं होता? बिल्कुल गाइस, सही बात है। पैसे जेब से तो हर चीज पे जाएंगे, चाहे हम पर डे का कोई भी सामान खरीदें या कुछ भी करें, पैसे तो गाइस जाना ही जाना है। और त्योहार इसीलिए तो आता है, लोग पैदा करते हैं इसीलिए पैदा करते हैं कि कोई खास हो, कोई इस दिन आए उस पर हम खर्च करें, शादी करें, मकान बनाए, इसीलिए सभी लोग पैदा करते हैं। फिलहाल आज मैं घूम तो आज बात हो गई, काफी अच्छा लगा गाइस। और चलते हैं उधर अंदर और बीच गाँव में चलते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अपने ही गांव में, बीच गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देखते होंगे दुकान लगी हुई है, बर्तनों की दुकान है। भैया बेच रहे हैं, क्या नाम है? कमरुद्दीन। तो गाइस, मार्केट सजा हुआ है भगवा बाज़ार के बीच गांव में, काफ़ी दुकानें हैं, कमरुद्दीन भाई बेच रहे हैं। और आज धनतेरस है तो सभी लोग कोई चम्मच खरीद रहा है। अच्छा, चम्मच खरीदने वाले कम लोग आते होंगे जी। अच्छा, और ज़्यादातर कौन सा आइटम खरीदते हैं? प्याली। गाइस, प्याली ज्यादा खरीदारी आज हो रही है, काफी दूर दराज से लोग खरीद के लिए आ रहे हैं। या दिल से दिल के दीप जलाओ, हंसी खुशी दिवाली मनाओ। दिवाली खुशी का है पर्व, खुशी का हमको इसलिए गर्व, जाम लगाकर ताश थाम कर मत इसका गर्व घटाओ। दिल से दिल के दीप जलाओ, बाजार से सौगाते लाकर खुश होंगे घर वाले पाकर। बाजार से सौगाते लाकर खुश होंगे घर वाले पाकर। मीठा बोलो, मीठा घोलो, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ऐसे तुम दिवाली मनाओ। दिल से दिल के दीप जलाओ, हमसे कहते जलते दीप, हमारे अंदर एक संदेश, दिल को दया की बत्ती बनाकर और प्यार का तेल डालकर सारे जहां में उजाला फैलाओ। दिल से दिल के दीप जलाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो दोस्तों, ये त्योहार बहुत ही खुशी का त्योहार है और मुझे बहुत ही दुख होता है एक बात का। वैसे तो मेरा और आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ, इंसानियत का रिश्ता है। आप मेरे भाई हैं, मैं हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी, तो आपसे मेरे कई ढेर सारे रिश्ते हैं। और खून का रिश्ता ज़रूरी नहीं होता है, ज़्यादा लोगों से होता है। खून का रिश्ता तो सिर्फ ये खानदान में समेट कर रह जाता है, लेकिन आप मेरे भाई हैं। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही गौर से सुने, मुझे बुरा लगता है जब दिवाली इतनी खुशी का पर्व है, लोग जाम लगाकर ताश थाम कर इसका गर्व घटाते हैं, तो मुझे बुरा लगता है। और हाँ, लेकिन गाइस, मैं तो यहाँ छोटे से गांव में रहता हूँ, विलेज भगवा बाज़ार में, लेकिन यहाँ पर लोग दीपावली, दिवाली सभी कुछ कहते हैं, लेकिन आज तक मेरी समझ में ये नहीं आया दोस्तों कि आखिर सही नाम क्या है, दीपावली है या दिवाली है। और मेरे भाई ज्ञानेंद्र भाई साहब मेरे साथ हैं और आज इन्हीं से पूछते हैं। ज्ञानेंद्र भाई जी, अक्सर जैसे दीपावली कहना चाहिए या फिर दिवाली कहना? रियल में तो दीपावली कहना चाहिए, लोग दीपावली कहते ही हैं, जो हर के देहात में छोटे छोटे बच्चे हैं। और रियल में दिवाली कहते हैं, दिवाली एक जैसे साधारण में कहते हैं दिवाली जी, आमतौर पर छोटे बच्चे कह देते दिवाली दिवाली दीपावली। गाइस, फिलहाल जो भी हो, दिवाली हो या दीपावली हो, बहुत ही खूबसूरत त्योहार है ये, काफी खुशियों, ढेर सारी खुशियां लाता है ये त्योहार। हाँ, अच्छा। तो ज्ञानेंद्र भाई, जी भाई, आपके बच्चे होंगे जी, तो
वो पटोखा वगैरह छोड़ते हैं ना आतिशबाजी, तो उनका ख्याल रखते हैं गाइस। बिल्कुल आप भी ख्याल रखें, बच्चों को अकेला ऐसे पटोखा वगैरह ना छोड़ने दें, उनका ख्याल रखें। चाहे वो कैसा भी कोई आतिशबाजी, पहले तो मना कीजिए कि आतिशबाजी ना इस्तेमाल हो, लेकिन अगर वो बच्चे जिद कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो आप उन्हें समझाइएगा या और उनकी सुरक्षा रखिएगा आप। नहीं अभी और सुनिए दोस्तों, मैंने देखा है दिवाली का जब पर्व आते तो बहुत से ढेर सारे लोग जाम लगाते हैं, ताश थामते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। तो बसाए मेहरबानी आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे, वाकई में ये अच्छा नहीं होता है। क्या सोच है रे तेरी। गाइस तीसरा गिफ्ट आपके लिए ये है, चाहे मेरी उम्र के हो या फिर मेरे सुरेश भाई की उम्र के हो या इनसे और भी ज्यादा उम्र के हो या परवेश भाई की उम्र के हो, किसी भी उम्र का कोई भी बंदा हो वो नशा नहीं करेगा और ना ही करने देगा। तो इस त्योहार पर अपने मन में ये हम प्रयत्न करेंगे, संकल्प करेंगे कि आज से नशा हम नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, भले को आपसे खून का रिश्ता नहीं है मगर एक इंसानियत का रिश्ता है, हिंदुस्तानी का रिश्ता है, तो आप मेरे भाई हैं। तो कौन बोल रहा है आप ये ना देखें, आप ये देखें कि ये बात क्या बोली जा रही है। अच्छा तो आप इस बात से सहमत हैं, तो आपने वीडियो वॉच की, बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आगे आप वीडियो लगातार देखते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।